हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसीआई वुमेन ऑस्ट्रेलिया स्पेन टी10 की एक ना नई लीग शुरू होने वाली जो दो दिन चलेगी, जिसके आज तीन मैच होने वाले हैं। सेम टीमों के बीच में ही तीन मैच होंगे, जो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है टीम बनाने में। तो मैच का टाइम रहने वाला है 12:30 मैच शुरू होगा, और यहाँ पर मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और स्पेन वुमेन्स के बीच में मैच शुरू होने वाला है। वेदर की बात करें तो मौसम यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो सकता है, बाकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। वेन्यू देखें तो यहाँ पर देख सकते हो सीवन क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में मैच शुरू होने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ पर बैलेंस सरफेस है, एवरेज इसको 60-80 के बीच में बनने वाला है। तो यहाँ पर बात कर ले सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम से जो ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट्स फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरे जगह कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारी कमेंट पर आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ जो नो सकते आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम की, तो आपको वीडियो एक तो ये पूरा देखना है, क्योंकि ना फर्स्ट मैच होगा तो काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ से ओपनिंग करने आ सकते हैं एंड्रिया और प्रिया साबू। एंड्रिया की बात करें टी10 के 10 मैच में 127 रन 63 का एवरेज है, बाकी रिसेंट में हम देखें तो चारों मैचों में ना ये 9 बैटिंग रहे थे, बाकी इनका टी20 का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्रिया साबू टी10 के यहाँ पर 2024 में 6 मैच खेले, 24 रन 24 का एवरेज है, रिसेंट में 9 बैटिंग 18 नो बैटिंग और 9 बैटिंग है। यहाँ पर आप मेरी वीडियो में देख सकते हो कि आपको टी10 के 2024 के टी20 के और रिसेंट में टोटल रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ से आ रहा है जो इनकी बात कर लें, टी10 के 14 मैच में 64 रन 1 विकेट है, टी20 की इनकी रिसेंट वॉर्म में 5 0 विकेट 38 0 विकेट 37 2 विकेट और 9 बैटिंग है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बात कर लें यहाँ से मल्लिका महादेव की, तो यहाँ से टी10 के 13 मैच के लिए 148 रन बनाए, 5 विकेट निकाले हैं 23 ओवर डाल के, बाकी रिसेंट वॉर्म 15 0 विकेट 0 विकेट है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ना देख सकते हो विकेट यहाँ पर नहीं मिले पर आपको चांस जरूर देना है। हन्ना सिप्सन की बात कर लें, टी10 के 12 मैच खेली 41 रन 0 विकेट है, टी20 के 7 यहाँ पर देख सकते हो टी20 की इनकी रिसेंट वॉर्म में 7 2 7 0 विकेट 12 0 विकेट और 14 0 विकेट हैं। यहाँ से आते हैं प्रविता गणेशन की बात कर लें, टी10 के 4 मैच में 1 रन, टी20 की रिसेंट वॉर्म में इनकी 3 1 2 9 बैटिंग 9 बैटिंग है, बिल्कुल ख़राब रिकॉर्ड है। अनिशा नकुला की बात कर लें, टी10 के 5 मैच में 3 रन, टी20 के 38 मैच में 83 रन 5 विकेट हैं, बट 20 ओवर डाल के रिसेंट वॉर्म 9 बैटिंग 9 बैटिंग है। एम्मा किकवेन टी10 के 10 मैच में 15 रन, रिसेंट वॉर्म में इनकी खास अच्छी नहीं लगी मुझे। शीतल भरद्वाज टी10 के 8 मैच खेली 14 रन 0 विकेट है, रिसेंट वॉर्म टी20 की हैं 11 7 2 विकेट 5 2 विकेट 3 0 विकेट है। आसमान सैफी यहाँ से टी10 के 7 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट वॉर्म 0 विकेट 9 बैटिंग है। श्रिया कोमती टी10 के 13 मैच में 9 रन 3 विकेट हैं 23 ओवर डाल के, बाकी रिसेंट वॉर्म देखें तो 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट है। बात कर लें यहाँ से बेंच में से, तो बेंच में से जैसे यहाँ से ना सिद्दीकी आ जाती है, टी20 के यहाँ पर ये 7 मैच खेली और 9 रन बनाए, 1 विकेट निकाले 11 ओवर डाल के। प्रभावती की बात कर लें, टी20 के 4 मैच खेली 1 रन 1 ओवर डाल के, यहाँ से देख सकते हो बाकी 2 प्लेयर बचे ना इनके स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, मैंने काफ़ी पॉइंट किया मुझे नहीं मिले। बाकी देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग, और स्टार्टिंग के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से एम महादेवा एस कॉमती पी सबू, डेथ के ओवर डालने यहाँ से आ जाएंगी जे एन ओ, यहाँ से एम महादेवा एस भरद्वाज, जो डेथ में बॉलिंग करेगी ना वो हमेशा आपके लिमिनेट रहने वाली है। बात करें दूसरी टीम स्पेन वुमेन्स की टीम की, तो यहाँ से देख सकते हो आपको ये भी वीडियो पूरा देखना है तभी आप बेहतर टीम बना पाओगे। तो ओपनिंग करने आ सकती हैं यहाँ से एल्सपेथ पाहुल और यहाँ से उस्मा सैयद। एल्सपेथ की बात कर लें, टी10 के 2024 में 5 मैच के लिए 66 रन 66 का एवरेज है, बाकी रिसेंट हम देखें तो 9 बैटिंग 9 बैटिंग 9 बैटिंग 33 और 33 रन है। उस्मान सैयद 2024 में टी10 के 10 मैच के लिए 41 रन 10 विकेट 18 ओवर डाल के, बाकी रिसेंट हम 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट है। इंडिया डिवीजन 2024 में टी10 के 10 मैच में 120 रन 2 विकेट निकाले थे 8 ओवर डाल के, रिसेंट होम 21 5 रन 4 0 विकेट 12 1 विकेट 28 रन है।
नॉमी हेलमैन की बात कर लें, 2024 में टिटेन के 16 मैच खेली हैं, 263 रन बनाए, 65 का एवरेज, 10 विकेट इनके नाम है। ऋषभ नॉम 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट है। एमी ब्राउन करेरा 2024 में टिटेन के 10 मैच में 49 रन, 6 विकेट हैं। ऋषभ नॉम 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट है। लूसिया की बात कर लें, टिटेन के 4 मैच में 14 रन, 3 विकेट है, 4 ओवर डाल के। बैटिंग का स्कोर इनका फ्लॉप है बट आपको बॉलिंग अच्छी देगी। ऋषभ नॉम 9 बैटिंग, 14, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट है। मुस्कान नसीब टिटेन के 15 मैच खेली हैं, रन 6 ही बनाए, 1 विकेट निकाले, बाकी ऋषभ नॉम तो खास अच्छा नहीं लगा मुझे। अनीस अजमत की बात कर लें, टिटेन के यहाँ पर 13 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट ये निकाल पाई हैं। रूबिया मुश्ताक टिटेन के 17 मैच में 0 रन, 3 विकेट हैं। ऋषभ नॉम ड्रॉप कर सकते हो आप इन्हें। मेमुना रियाज की बात कर लें, टिटेन के 18 मैच के लिए 2 विकेट निकाले, 6 ओवर डाल के, बाकी की बैटिंग तो इनके फ्लॉप होने वाली है। यहाँ से आते हैं ओविलिया वेनेट की बात कर लें, ओवरऑल 17 मैच खेले हैं, 30 रन बनाए, 7 विकेट निकाले। बात कर लें यहाँ से बेंच में से तो 2 ही प्लेयर हैं, तो रिकॉर्ड देख लें, जैसे यहाँ से ना अलेक्सिस हार्डले आ जाती हैं, तो ओवरऑल 23 मैच खेली, 1148 रन, 3 विकेट, 18 ओवर डाल के, बैटिंग का स्कोर इनका अच्छा है। एमिलिया जोन्स ओवरऑल 5 मैच में 17 रन, 4 विकेट हैं। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग, और स्टार्टिंग के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से, देख सकते ए ब्राउन करेरा यू सैयद, डेथ के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से आर मुस्त, यहाँ से मुस्तका, यहाँ से एम कुर्रेसी, नॉमी हेलमैन, बेंजामिन, जो डेथ में बॉलिंग करेगी ना वो हमेशा आपको एलिमिनेट देने वाली थी। यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं डेमो टीम। डेमो टीम अपने विकेट सेक्शन से करने वाला ई किर्कमैन को, बैटिंग सेक्शन से ए प्लावर, यहाँ से एस भरद्वाज को, ऑलराउंडर सेक्शन से जे हिस्टिंगजय को, यहाँ से एच सिप्सन, ए डेविडसन, यहाँ से देख सकते हो ए मुइज को, यहाँ से ए ब्राउन करेरा यू सैयद को, बॉलिंग सेक्शन से ए महादेवा, यहाँ से एन हेलमेन को कैप्टन करूँगा, जे हिस्टिंगजय को वाइस कैप्टन करूँगा, ए डेविडसन को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपके इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और ऐसे सपोर्ट आपको हमारे चैनल बनाए रखना है। धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए।